नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नीना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेट थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है।
जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं, प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटेन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिश वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, केटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा।
20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन
दूरदर्शन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग
रही एक फोटो जनरल लिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है।
और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है।
जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं, प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है।
भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, केटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव,
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है, उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा।
20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटेन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिश वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है।
होती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से
से भाग रही एक फोटो जनरल लिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है। लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है।
और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेट थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है।
जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं, प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जनरल लिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, केटना केफ, अली हाजी, राजपाल यादव,
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा।
20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेट थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेट थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है।
थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है, उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद
खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह कैटरीना कैफ से प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है, उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो
अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं, प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद को भी एक विधवा मां नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था, इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
प्रेम एक लव गुरु है जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जनरल लिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्टनर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी पार्टनर, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, 67% डोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 67% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 35 मिनट के करीब आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, इस मूवी के अंदर आपको दोस्तों सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, अली हाजी, राजपाल यादव आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपए के करीब था और इस मूवी ने 100 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो फिल्म एक प्रेम गुरु प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ग्राहक भास्कर को अपनी प्रेमिका प्रिया के लिए लुभाने की सलाह और विचार देता है और खुद खुद को भी एक विधवा माँ नैना से प्यार में पड़ जाता है। फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित है और स्क्योर सलीम सुलेमान द्वारा है। पार्टनर को 20 जुलाई 2007 को रिलीज किया गया था। इससे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इसके कॉमेडी दृश्य और गोविंदा के प्रदर्शन की विशेष विशेष प्रशंसा हुई है। एक आलोचनात्मक और व्यवसायी ब्लॉकबस्टर पार्टनर ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। यह 2007 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्म है। धवन ने फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन 2022 तक सभी से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और समाचार आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रेम एक लव गुरु है, जो अपने ग्राहक से प्रेम संबंधी मुद्दों को हल करता है। भास्कर दिवाकर चौधरी गोविंदा मदद के लिए प्रेम से वापस आते हैं। भास्कर अपनी प्रिय जयसिंह केटना के से प्यार प्यार हो जाता है, लेकिन इसे व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। प्रेम शुरू में भास्कर की मदद करने के लिए इनकार कर देता है, कुकेत थाईलैंड चला जाता है और भास्कर उसका पीछा करता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। थाईलैंड से लौटने के बाद प्रेम की मुलाकात छोटा डॉन राजपाल यादव से भाग रही एक फोटो जर्नलिस्ट नैना से होती है, जो डॉन में शाहरुख खान की नकल करती है। प्रेम उसे बचाता है और उसे प्यार करने लगता है। इस बीच वह भास्कर को सिखाना शुरू कर देता है और प्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन प्रेम के रणनीति के बजाय भास्कर की अपनी सादगी और बकवास उसके प्रिया का प्रिय बनाती है और उसे जिससे प्यार हो जाता है। प्रेम को पता चलता है कि नैना लारा दत्ता की पिछली शादी से रोहन नाम का एक बेटा और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी देखभाल करता है। भास्कर प्रेम को बताते कि प्रिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। दोनों रोहन के साथ प्रिया के विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो अपनी माँ को प्रेम 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 से शादी करने के लिए मना लेता है, जबकि प्रिया के पिता भास्कर द्वारा मना लिए जाते हैं। प्रिया भास्कर से शादी करने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कर सकते हो और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।